तो बारात का लीजिए आनंद। बीच में पुरानी ब्लॉगों में देखी होगी आपने, जब इस झील का काम हो रहा था तब भी दिखाया था मैंने आपको, और अब देख सकते हैं काफी बड़ी झील बन गई है ये। अब मेरी चिल रही है लोग, लेकिन जो हमारी प्रथा है धीरे धीरे हम जो भूलते जा रहे हैं, तो इन लोगों ने अभी भी यहाँ बरकरार रखा है, कोई चीज देख सकते हैं। और यहाँ पे भी चल दिया हेलो दोस्तों, आज के इस नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूँ ठीक और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग भी ठीक होंगे। तो दोस्तों आज काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग आ रही है, तो इसके लिए सॉरी। और आज की वीडियो बना रहे हम पुनेड़ी से बारात जा रही है, गंगोली हाट से 10 किलोमीटर आगे, तो वहाँ जा रही है। और देख सकते हैं आप ये पीछे जो भी गाड़ियाँ लगी है, सभी गाड़ी बारात में है। और ये भाई लोग मेरे साथ बारात में आज छोटे। हेलो गाइस, जीत अंकल बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, लाइक सब्सक्राइब करना। इतनी खुशी मुझे आज तक। थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे सब्सक्राइबर भी मिल गए, और अब आपको दिखाते हैं बारात। देख सकते हैं आप, ये बारात आ गई, तो बारात का लीजिए आनंद। और दोस्तों ये आ गए दूल्हे राजा, बधाई है बधाई। तो बारात अभी निकलने लग गई है, और ये खड़ी है वाइटी, यहाँ पे वाइटी भी देख सकते हैं। मिलते हैं अब, जो भी रास्ते का व्यू होगा तो दिखाते हैं अभी आपको, और उसके बाद मिलते हैं गंगोली हाट बेरीनाग, जहाँ भी जा रही है बारात। तो दोस्तों बीच में मैंने जो मेरी पहली वाली ब्लॉग थी, तो उनमें दिखाया था मैंने ये, जो भी मेरे लोकल के सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता ही होगा ये थरकोट झील के बारे में। तो अब ये कंप्लीट बन चुकी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, बस वो आगे देख रहे होंगे आप, वो वाइट वहीं तक है, ये देख सकते हैं ये। और अभी हम लोग हो रहे हैं लेट, गाड़ियाँ आगे चली गई हैं, तो आगे मिलते हैं। दोस्तों अभी यहाँ पे रोड का काम चल रहा है, तो अभी हमारी गाड़ी रोक ली है, तो देख सकते हैं आप ये ऐसे ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, तो अभी हमें यहाँ पे रोक लिया है। पापा लोग भी पीछे हैं। पहुंच गया गुरना मंदिर के पास, जो भी मेरे लोकल के सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता ही होगा। तो आजकल जो पहले पुराने जो धारे थे यहाँ पे, देख सकते हैं कुछ इस टाइप से अभी यहाँ पे काम चल रहा है, तो देख सकते हैं ऐसा बना रखा है, काफ़ी सुंदर। और वो आगे साइड में बैठने के लिए बना रखा है, और अब जा रहे हैं हम लोग गुरना मंदिर, तो वहाँ पर दिखाते हैं अभी आपको। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए फाइनली गुरना मंदिर में, और
और अभी मंदिर में दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद रास्ते का कुछ जो खास खास चीज़ें होंगी तो वो दिखाएंगे, और क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबी बन जाएगी फिर आप लोग भी हो जाते हैं बोर, उसके बाद सीधे मिलते हैं आगे। फाइनली हम गंगोली आर्ट से थोड़ा आगे पहुंच चुके हैं जहाँ पे दुलंगा घर है, ऊपर है दुलंगा घर, और अभी मेरे कुछ मित्र भी मिल गए हैं रीतन जी है हमारे, और पहले बड़े भाई को दिखाया था मैंने एक दिन जो गांधी चौक में इनकी शॉप है तो वहाँ दिखाया था, क्या बात। तो अब चलते हैं जो भी है हल्का सा, क्योंकि काफ़ी लंबी बन चुकी है तो जैसा अभी शॉर्ट में दिखाते हैं तो मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये है गांव और ऊपर देख रहे होंगे आप, तो अभी आपको ऊपर दिखाते हैं। तो दोस्तों अहो भाग्य मेरे, अभी दो बिछड़े दोस्त मिल गए हैं 90 कितने का 8 के, और दोनों ऐसे पोल खोल रहे हैं एक दूसरे के बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा पैदल भी है और जस्ट पहुंच गए हैं अभी। ये रहा है यहाँ पे दुल्हन का घर, तो अभी ऊपर पहले पूजन कर लेते हैं, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, ज्यादा बोलते नहीं, मुट्ठी मुड़ गई थी अभी इनकी हरकत देख ली होगी आपने नमस्कार तो दोस्तों पहले खाना आना खा लेते हैं, उसके बाद जाएंगे कन्या पक्ष की ओर, वहाँ दिखाएंगे आपको और दाजू की पुराने किसी भी रंगीलो कुमाऊं मित्र कहाँ गए मित्र साहब देखो यार तुम यार भाव खा रहे हो गाजर खा रहे हो राजा साहब कह रहे मौसम नहीं बनाया अभी ये दो चीज खा रहे हैं प्लेट लग चुकी है और मेरा तो अभी परहेज ही चल रहा है क्योंकि आप लोगों की कमेंट आ जाएगी कि पीलिया हो रहा है और पुलाव पनीर चल रहा है, नहीं खा रहा हूँ मैं। और सर क्या कहना चाह रहे हैं आप? बहुत ही बढ़िया बढ़िया है, इतने इंटीरियर में इतनी फर्स्ट क्लास हॉस्पिटलिटी, बड़ी मस्त, बहुत बड़ी मज़ा आ गया। अमचू की चटनी है, पहाड़ी चावल का भात हम खा रहे हैं, पहाड़ी भात बोलते हैं, राइस पीड आप बोल सकते हैं उसको, और पहाड़ी चावल तड़का मार के मस्त। तो पहले कर लेते हैं भोजन, उसके बाद पहले दिया इशारा कर ही दिया इनने राजू हेलो ये जीत जी भी पहुंचे हैं भाई बारात में, कब आया आप? ठीक है, नमस्कार, थोड़ा पीछे थे बारात से, हो गया भोजन? भोजन कर लिया, थोड़ा ले ली। तो दोस्तों अभी फाइनली पहुंच गए हम ये वेलकम गेट के अंदर को, और अंदर का व्यू दिखाते हैं अभी आपको। मिल लिया कहीं जगह मिल लिया कोमलता बताएंगे। अरे साई जी जगह है, आप अंदर आओ, जगह है, इनको देखो बैठा, इनको बैठा, अंदर आ गया, आ गया। हमारे पहाड़ में जब बारात पहुंचती है तो ये मंगल गान होते हैं जो आप सुन रहे होंगे पीछे, मंगल गान जो पीछे हो रहे हैं ये हमारे स्वागत के लिए है। दूल्हा पहुंच चुका है, उसकी चरणों पादुका है, यानी कि जूता छुपा दिया गया है तो पीछे देख रहे होंगे दोस्तों, ये चीज़ खास है तो आज मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपको वकील साहब ने बताया था कि जो हमारा पहाड़ी कल्चर है तो दूल्हे पहुँचने के बाद कहीं पर फाग का एक रिवाज रहता है, तो यहाँ पे चल रहा है जो भी स्वागत गीत, तो वकील साहब ने बता ही दिया आपको यहाँ की हमारी प्रथा है, तो अभी अंदर जा रहे हैं और वो सुनाते हैं अभी आपको, और वकील साहब उनका जवाब जरूर देंगे। सवाल जवाब बहुत जरूरी है, यही हस जो ठिठोलियाँ हैं
यही चुड़ैलियां इस रिश्ते को जन्म देती है। तो थोड़ा सा टक्कर जरूर देंगे वकील साहब, दे पाएंगे क्योंकि लड़के हो गए हैं ढीले। चलिए सर प्लीज। तो यहाँ पे है कन्या पक्ष और यहाँ पे है वर पक्ष। तो ये धीरे धीरे करके एक एक आदमी भी छिल रहे हैं। अभी कुंडल ला के छिल रहे थे, अब मेरी छिल रहे हैं ये लोग। लेकिन जो हमारी प्रथा है धीरे धीरे हम जो खोलते जा रहे हैं तो इन लोगों ने अभी भी यहाँ बरकरार रखा है। कोई चीज देख सकते हैं और यहाँ पे भी चल दिया छिल। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे बरातियों की छिल दी है इनने और अब जा रहे हैं अंदर। आपको एक बार कन्या के दर्शन कराते हैं। हाँ दादा हाँ आगे आओ, अब दिखाते हैं आपको एक बार दुल्हनिया। तो यहाँ पे चल रहा फोटो शूट। बधाई है, बधाई, धन्यवाद। और देख सकते हैं यहाँ पे तो कमेंट में जरूर बताएं कि इन दोनों की जोड़ी कैसी लग रही है। दाजी भी है हमारे, हो गया भोजन। आप फुल संडे मना रहे हो आज, चलो शॉप भी बंद है। ऐसे देखते टाइम कैसे होगा। दोस्तों अभी यहाँ चल रहा है जयमाला। तो दोस्तों अभी ऊपर तो चल रहा कार्यक्रम और ब्लॉग भी काफी लंबी बन चुकी है, तो अब ज्यादा कुछ नहीं दिखा पाया मैं ब्लॉग में आपको शादी के बाद का। तो अब करते हैं ब्लॉग को एंड। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल पे जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों में प्लीज दो लोगों को जरूर शेयर करें और दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं कि आज की ब्लॉग आपको कैसी लगी। तो दोस्तों नेक्स्ट डे मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।